दुनिया की नजरों में झूठा पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। हिंदुस्तान की त्रिशक्ति ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है। यूएन में सबसे पहले एनएम गंभीर ने पाकिस्तान को टेररिस्तान और शुद्ध आतंक की जमीन करार दिया और उसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, कहा कि भारत ने तो इंजीनियर बनाए लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादी तैयार किए। इसके बाद तिलमिलाए पाकिस्तान ने एक फर्जी तस्वीर दिखाई, दुनिया को बरगलाने की कोशिश की लेकिन उसका यह सफेद झूठ पकड़ा गया। राइट टू रिप्लाई के तहत भारत ने यूएन में पाकिस्तान के झूठ की तस्वीर का सच सबके सामने रख दिया। यूएन में भारत की प्रतिनिधि पौलमी त्रिपाठी ने पाकिस्तान को जवाब दिया, पाकिस्तान की तस्वीर वाली करतूत का सच दुनिया के सामने रख दिया। आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की त्रिशक्ति ने चालबाज पाकिस्तान को दुनिया के सामने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की तस्वीर वाली करतूत से अमेरिकी फोटो जर्नलिस्ट हेडी लेविन को भी झटका लगा। हेडी ने फिलिस्तीन की ये तस्वीर दुनिया के सामने पेश की थी। उनसे पूछे बगैर पाकिस्तान ने फर्जी तरीके से इसे दुनिया के सामने भारत का बता दिया। अब पाकिस्तान की दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है। फेस ऑफ पाकिस्तान इज नॉट हिडन फ्रॉम एनीवन। दुनिया के सामने झूठे पाकिस्तान का एनकाउंटर। दोगले पाकिस्तान की बेशर्म तस्वीर का पोस्टमार्टम। धोखेबाज आतंकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत। यूएन में पाकिस्तान के झूठ के बाद भारत ने सबूतों के साथ पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। आतंकवाद के मुद्दे पर सुषमा स्वराज के प्रहार के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया। उसने जवाब देने के लिए झूठ का सहारा लिया और फर्जी तस्वीर दिखा दी। भारत ने यूएन में जवाब देने के लिए राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान के एक बार फिर बखिया उधेड़ दी। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि पौलमी त्रिपाठी ने पाकिस्तान के झूठ का दुनिया के सामने पोस्टमार्टम कर दिया। सच के हथौड़े से पाकिस्तान को ऐसी चोट लगी है कि अब वो दोबारा भारत के खिलाफ बोलने से पहले हजार बार सोचेगा। The permanent representative of Pakistan in her statement yet again sought to divert attention from Pakistan's role as the hub of global terrorism. She did so by callously holding up a picture of an injured girl. दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान का धोखा सामने आया। भारत की प्रतिनिधि ने यूएन में दो तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर मलिहा लोधी के सबसे बड़े झूठ की थी तो दूसरी कश्मीर में पाक आतंकियों की क्रूरता की थी। जिस तस्वीर के सहारे पाकिस्तान बेशर्मी से अपना चेहरा छिपा रहा था, उसी तस्वीर ने उसके दोगलेपन को एक्सपोज कर दिया। दिस इज अ रियल एंड नॉट अ फेक पिक्चर ऑफ लेफ्टिनेंट उमर फैयाज, अ यंग ऑफिसर from the Indian state of Jammu and Kashmir. Umar Fayaz was kidnapped at a wedding celebration. He was brutally tortured and killed by Pakistan-supported terrorists in May 2017. This is the reality which the permanent representative of Pakistan sought to obfuscate. Mr. President, the true face of Pakistan is not hidden from anyone. दशकों से झूठ का एजेंडा चला रहे पाकिस्तान ने फर्जी तस्वीर की कूटनीति की कोशिश की, लेकिन गाजा की तस्वीर के सच से दुनिया के सामने उसकी फजीहत हो रही है। इस तस्वीर को खींचने वाली फोटो जर्नलिस्ट हेडी लवाइन भी पाकिस्तान की बेशर्मी से नाराज हैं। That everything presented at the UN is to be the utmost, the absolute truth, and so, as I said, I'm very surprised to see that my photograph is being A, used without my permission, and B, misused to represent a completely different conflict. We don't, you know, say that a girl who is wounded in Gaza was actually a victim of a conflict somewhere else in the world, and especially not by a diplomat. गाजा में खींची गई तस्वीरों के लिए हेडी को इंटरनेशनल वुमेन्स मीडिया फाउंडेशन ने अवार्ड भी दिया था। पत्रकारिता को बदनाम करने की पाकिस्तानी साजिश को हेडी ने गलत बताया।
हेडी ने कहा कि उनसे बिना पूछे ही तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। I was absolutely shocked to see this and surprised. I mean, I've never really seen my work misrepresented at this level. Unfortunately, I was really saddened to see that Rabia's picture was claimed to be the face of India when actually this is a Palestinian girl who was wounded during the war in between Israel and Gaza in 2014. जो देश झूठ की बुनियाद पर खड़ा है उससे सच्ची बात की उम्मीद कैसे की जा सकती है? लेकिन इस बार पाकिस्तान अपने कर्मों की वजह से घर में ही शर्मसार हो रहा है। पाकिस्तान को टेररिस्टान की संज्ञा देकर भारत ने उसकी कूटनीतिक बेइज्जती की थी। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण के बाद पाकिस्तान की बेचैनी गुस्से में बदल गई। पाकिस्तान ने आखिर यूएन के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी नापाक हरकत दिखा दी। देखिए, नकलची देश है, आतंकिस्तान है, आतंक की फैक्ट्री है पाकिस्तान। सुषमा जी के भाषण के बाद पूरी तरह बेनकाब हो गया है पाकिस्तान, इसलिए इस तरह की फर्जी तस्वीर दिखाकर पूरे दुनिया में अपनी बदनामी और जगहसाई खुद करवा रहा है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान फेल कर गया है और अपने पापों को छुपाने के लिए, अपने गलत कामों को छुपाने के लिए वो हमेशा झूठ का सहारा लेता है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पाकिस्तान का एक और बड़ा झूठ एक्सपोज हुआ है। ये पहला झूठ नहीं और ये आखिरी झूठ भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के जिस मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दुनिया के नुमाइंदों ने सन्नाटे में सुना, वहीं सुषमा के भाषण पर एक से ज्यादा बार तालियां बजी। इस बार यूएन के मंच पर पाकिस्तान को चुन चुन कर जवाब दिया गया। अपने झूठ और धोखे की वजह से पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। शाता है, पाकिस्तान एकदम आइसोलेटेड है, पाकिस्तान की सरकार क्लूलेस है, उनका जो अंदरूनी स्थिति एकदम अगम्य गोचर स्थिति में पाकिस्तान है। इसी बात का परिचय मलिहा लोढ़ी की झूठ से सामने आया है। पढ़ी लिखी महिला हैं, बहुत अच्छा उनका वैसे रेपुटेशन हर तरीके से है, लेकिन ये जो उन्होंने करा है ये मैं कहता हूँ कि उनके लिए पर्सनली भी और पाकिस्तान के जो मिशन है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की गलत बात करके वो कोशिश या तो कर रहे हैं कि पैलेस्टाइन हो, कश्मीर हो, जो भी कोई हो, अगर गलत भी पिक्चर दिखा रहे हैं तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए महिलाओं के साथ, हम मानते हैं उस बात को। पिछले साल भी पाकिस्तान ने यूएन के मंच पर झूठ का खेल खेला, इस बार भी पाकिस्तान ने दोगलापन दिखाया और हर बार की तरह इस बार भी भारत ने पाकिस्तान को हैसियत दिखा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।